नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ घटनाक्रम हुई थी, राजनीतिक घटनाक्रम हुई थी जो कि ऐतिहासिक भी थी, आपको बिल्कुल याद होगा, भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई भी थी। चलिए एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी को लेकर के, किस तरह से मुकेश सहनी महागठबंधन में अंतिम दौर तक थे, उसके बाद जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है महागठबंधन के दौरान, उस दौरान राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है और मुकेश सहनी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है खड़ा होकर के कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। इसके बाद से वहीं से राजनीतिक समीकरण बदल जाती है, मुकेश सहनी बाहर आ जाते हैं। मुकेश सहनी के बाहर आते ही इसके बाद से जो है उनके एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो जाती है और अंततः होता भी यही है। एनडीए में मुकेश सहनी जो है अपनी पैठ जमा लेते हैं और एनडीए में जाने के बाद उन्हें जो है मतलब पूरे एनडीए खेमे की ओर से उन्हें 11+1 का जो समीकरण है उनके हाथों में सौंपा जाता है, जिसमें 11 विधायकों का सीट होता है और एक जो है आपको विधान परिषद यानी कि एमएलसी वाला जो है वो सीट होता है। ऐसे में चलिए जो चुनाव हो गए, चुनाव संपन्न होने के बाद जो नतीजे आए उसमें जो कुछ हमने देखा, इसके मुताबिक नतीजों के मुताबिक 4 विधायक जो हैं आपको वीआईपी पार्टी से जीत करके आए हैं। एनडीए में 4 विधायकों का योगदान वीआईपी पार्टी ने दिया है, जिसमें से सभी जो हैं मुकेश सहनी के अलावा हैं। मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जो है हार का मुंह देखना पड़ा। कड़ी फील्डिंग किए थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मुकेश सहनी जो हैं इस बीच जो है आपको बता दें, हारने के बावजूद अब देखिए ना, अगर बात करें तो ये बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है कि अगर जनता के द्वारा नकारे हुए कोई लोग जो है बिहार में मंत्री बन जाते हैं। मुकेश सहनी अंततः बिहार में मंत्री पद पर आकर के काबिज हो गए, बिहार में पशुपालन मंत्री के रूप में वो अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे में जो भारत लाइव की टीम आपको खबर भी दिखा रही थी किस तरह से वो कार्यालय में नहीं है, कार्यालय से गायब रहते हैं। लेकिन इसी बीच इस सारे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट यहाँ से कि मुकेश सहनी ने 26 लोगों को गायब कर दिया है। कहाँ गायब कर दिया भैया, वो कौन से लोग हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने इस बात की घोषणा की थी कि एमएलसी वो नहीं बनेंगे। एमएलसी जो है, एमएलसी के लिए उन्होंने अपने ही पार्टी के 26 लोगों की एक सूची जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने साझा की थी। 26 लोग में से ही किसी को जो है एमएलसी पर काबिज कराना था, लेकिन हमारे जो ताज़ा खबरों के मुताबिक माने कि इस बार मुकेश सहनी हारने के बावजूद, जनता के द्वारा नकारे जाने के बावजूद मुकेश सहनी मंत्री तो बन गए, लेकिन उनसे उनका मन नहीं भर रहा है। मंत्री के बाद अब वो विधान परिषद भी जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि मुकेश सहनी खुद ही जो है आपको बता दें तो इस बार विधान परिषद के सीट पर विधान परिषद भवन में जाने के लिए तैयार है। लेकिन उन 26 लोगों की सूची ही जो है, वो लोग कहाँ गए जिनकी चर्चा कर रही थी, इस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है, नहीं जवाब देने के लिए वीआईपी के कोई लोग तैयार हैं। चलिए एक बार आपको हम उन सूची को भी दोहरा देते हैं, वो 26 नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है 26 नाम में से शेखपुरा जिले से, शेखपुरा जिले से अशोक चौहान, सतीश चौहान, शशि चौहान, सत्यनारायण चौहान। नवादा जिले से वीरेंद्र चौहान, मिथिलेश चौहान, नवल चौहान, रामधारी चौहान। नालंदा जिले से शंभु चौहान और विक्रम चौहान। वैशाली से, अगर वैशाली से बात करें तो हरेंद्र महतो हैं। छपरा से बालमुकुंद चौहान, श्रवण महतो, अशोक महतो, अजय महतो। पश्चिम चंपारण की बात करें तो हरेराम महतो, गोरखनाथ चौहान। मुजफ्फरपुर की ओर अगर आप रुख करें तो मुजफ्फरपुर से ओम प्रकाश महतो, रघुनाथ महतो, विनोद महतो और प्रफुल्ल देव महतो हैं। वहीं गया में से जो है अंतिम नाम है नकुल चौहान का नाम जो है गया से था। इन ये 26 लोग ऐसे लोग हैं जिनकी सूची जो है मीडिया जगत के सामने मुकेश सहनी ने ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा की थी कि इन 26 में से एक जो है, जो सभी जो है नोनिया जाति से आते हैं, वो विधान परिषद जाएंगे, वीआईपी के सीट से जाएंगे। लेकिन अब जो है मुकेश सहनी इन 26 नामों को भुला करके, 26 नामों को किनारा कर करके, बैकफुट पे डाल करके खुद विधान परिषद जाने के लिए भी तैयार हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि अगर बात करें तो पूरी मामले में एक सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी खुद चुनावी मैदान में थे, पहले ये भी कह रहे थे कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, अंतोगत्वा उन्होंने जो है सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने के लिए गए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जो है बिहार में मंत्री पद पर आकर के काबिज हो गए, यानी कि एक जनता के द्वारा नकारा हुआ व्यक्ति
मंत्री पद पर आकर के काबिज हो जाता है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन 26 नामों की जो है चर्चा उन्होंने मीडिया जगत के सामने की थी, क्या विधान परिषद जाने के लिए उनसे पूछा गया? ये सवाल आपके लिए भी छोड़ जाते हैं। क्या कुछ लगता है इस पूरे समीकरण में आपको? बने रहिए भारत लाइव के साथ। दिन की शुरुआत हुई है, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। UPI नंबर लगातार दिख रहा होगा नीचे, वहां जाकर के आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। शेयर का बटन अभी भी जो है निःशुल्क है, शेयर करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते भी हैं, अच्छा लगता है। यूं ही बनाते रहिए और भारत लाइव के साथ जो है बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।